जिनकी इमेज हुई है, इस सभी के प्रति मैं आश्वासन व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं, शायद मैं आज की चर्चा में बोलना नहीं चाहता, परंतु विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने इस रायट्स को, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पेंट किया जा रहा है, और आज भी सदन में जिस प्रकार से इसको रखने का प्रयास हुआ है, मैं बड़े संयम के साथ इसकी स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सदन के सारे सदस्यों के माध्यम से इस देश की जनता के पास और दुनिया के पास मीडिया के माध्यम से सच्चाई पहुंच पाए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले अधीर रंजन जी ने कहा कि चर्चा में देरी क्यों हुई। माननीय अध्यक्ष जी, 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना रायटिंग की नहीं हुई, ये रिकॉर्ड की बात है। 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना रायटिंग की नहीं हुई। ये सदन हुआ, शुरू हुआ 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद डिमांड आई कि चर्चा होनी चाहिए। दूसरे ही दिन हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, होली के बाद चर्चा करेंगे। होली के बाद क्यों चर्चा करना? क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें फिर से भावनाएं भड़कने की संभावना रहती है। कई बार इस देश में अलग अलग प्रांतों में होली के समय दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास, और जब इतने सड़न और इतने तेजी से स्प्रेड हुए दंगे हैं, तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसके कारण ढूंढने के लिए समय चाहिए, और वो सब सदन के अंदर रखने में सरलता है। और सबसे बड़ी बात, देश में और दिल्ली में शांति बनी रहे, यहां के भाषणों के कारण या तो मीडिया के कारण या तो फिर से बाहर कोई इस प्रकार का वातावरण न बने कि जिससे होली देश की शांतिपूर्ण न हो। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद के लिए हमने कहा था कि 11 तारीख को होली नहीं था। तब मैं इनके भाषण माने प्लीज मैं अधीर रंजन जी को ये कहना चाहता हूँ, होली के कारण दंगा हुआ ऐसा नहीं कहता। मैं चर्चा क्यों, अरे सुनिए तो भाई, एक अध्यक्ष जी ये तो ठीक नहीं है, हम कभी खड़े नहीं। प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही मकसद था कि शांति बनी रहे और 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे, परंतु सदन नहीं चलने दिया। ठीक है, खैर, अपनी अपनी पार्टी का एक अपना अपना स्टैंड होता है। सदन चलने नहीं की ये बात सही है। भाई साहब, माने प्लीज प्लीज माने प्लीज 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 माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबका भाषण धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुना है, मेरी आपसे प्रोटेक्शन की भी मांग है, आप मुझे संरक्षण दीजिए, सब मेरा भाषण भी जरा शांति से सुने, और सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के तहत आज अभी ये चर्चा हो रही है। अभी मैं सदन के सामने आया हूं, अधीर रंजन जी ने शुरू किया कि खून की होली अभी भी चल रही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 25 तारीख की रात को 11 बजे के बाद एक भी कम्युनल रायट की घटना नहीं। अरे माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। मैं थोड़ी वास्तविकता इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष का यह दायित्व तो है इस सदन के अंदर कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के अधीन विभागों की कड़ी आलोचना करे, कड़ी निगरानी रखे,
और कहीं गलती होती है तो उसको सदन में भी उठाए, सदन के बाहर भी उठाए। मैं ये अधिकार से कोई आपत्ति नहीं करता, परंतु जब दंगों की बात हो, पुलिस मैदान में जूझ रही हो, पुलिस प्रयास कर रही हो और पुलिस को आगे बढ़ भी इसका इन्वेस्टिगेशन करकर ढंग से चीजों को, सत्य को कोर्ट के सामने रखना है, उस वक्त हमने वास्तविकता को समझना चाहिए। मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं तब सवाल करे कि पुलिस क्या कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए 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 ना, उस मैं बता, मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए, मेरी बात तो आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा, परंतु ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु ये 12 थानों तक हिंसा रुकी रही। मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। दूसरा, समय सारणी। मान्यवर लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये रायट चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं, मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा है। मान्यवर ये स्वीकारना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। जब सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दिया गया था, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, हम सबको भी उनका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर इसको शांत करने में दिल्ली पुलिस सफल रही है। 36 घंटे के अंदर क्या हुआ इसको मैं अंडरमाइन नहीं करा दादा, मैं आपको देखकर ही पहले कह सकती, मैं अभी नहीं पूछ सकते आप। मान्यवर मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने सबको सुना है, मैंने सबको धैर्य से सुना है, कहीं मैं खड़ा नहीं हुआ। सत्ताधारी पक्ष के सदस्य कुछ टोका टोकी करते थे तो भी मैंने रोका। कृपया आप मुझे सुनिए, गंभीर चर्चा है। नो, माननीय आप सदन के नेता हैं, प्लीज। मान्यवर श्रीमान स्वागत राय जी ने और काफी सारे सदस्यों ने मेरे बारे में भी सवाल उठाए, आपको मेरे बारे में सवाल उठने का अधिकार है और आप उठा सकते हो, परंतु तथ्यों के साथ तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। उन्होंने कहा
कि मैं वहां ट्रंप के कार्यक्रम में बैठा था। माननीय ट्रंप का श्रीमान ट्रंप का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मेरा जाना भी पहले तय था और मैं अगले दिन गया। उस वक्त कोई घटना नहीं थी। दो वर्ष और माननीय मैं यहां पर 6:30 बजे आ गया। उन्होंने कहा कि ताजमहल गए, मैं कोई ताजमहल बाजमहल नहीं गया। दादा सुनिए ना, काफी सारे लोग बोले।